गुड मॉर्निंग क्लास। तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर 7। उसका टॉपिक आज का हमारा है चैप्टर 7.4 की एक्सरसाइज तक हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, डेसिमल को हमने किससे किया था? 10,000 से डेसिमल को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेसिमल को अनदर डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप बोर्ड में, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब देखिए इस दो मेथड रहेंगे इस क्वेश्चन को करने के। फर्स्ट मेथड देखिए आपका क्या रहेगा, मैंने क्या लिखा डेसिमल हटाने के, मैंने इनकी फ्रैक्शन बना दी। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया, इनकी फ्रैक्शन बना दी। देखिए हमें जो मेथड इजी लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखिए आप। फर्स्ट में मैंने क्या किया, 4/10, आपको पता डेसिमल हटाने के लिए जीरो की कोई, जीरो को आप इग्नोर करो। ठीक है, 4.4 है यहाँ, 4 लिखा डेसिमल हटाने के लिए। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं हम, डेसिमल हटाने के लिए आप देख लोगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। जैसे 4 के बाद 1 डिजिट है तो हमने नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, तो इससे डेसिमल हमारा हट जाएगा और ये क्या फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी, इसको हमने फ्रैक्शन बना लिया। नेक्स्ट हमने देखिए क्या किया, सेकंड में भी आपने देखा 0.6, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमने यहाँ 10 लगा दिया। यहाँ 2 ऐसे होता तो हम नीचे क्या है 20 लगा देते, तो 6। ठीक है, यहाँ हमने इसको फ्रैक्शन बना ली। अब आपको पता है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हम जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे आप इसको। देखिए नेक्स्ट देखिए 4/4 को 6 से, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं हमेशा। देखिए अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन के लिए न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ठीक है, तो आपको पता है फ्रैक्शंस का, आप अगर फ्रैक्शंस को हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हम देखिए यहाँ पे आप देखिए इसका क्या करना है, 4 को 6 से कर दिया, यहाँ देखिए 4 को 6 से 24 अपॉन में क्या है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100। 10 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया कितना है आपका 100 आ गया। देखिए 6 को 4 से किया 24 और 10 को 10 से किया 100। अब आपको पता है कि आपको 00 है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपकी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ 24 है, 0 कितने है काउंट कर लो, जैसे यहाँ इसको चेंज किया अगेन डेसिमल में चेंज करना है। देखिए 1 2, तो यहाँ 0.24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.24 यह हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड में हमें कैसे करना है ये वाला। देखिए 0.04 0.6 वही सेम क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, पहले 4 और ये 0 आप रहने दीजिए, 0 का 0 एज इट इज लिख दीजिए, 4 और डेसिमल लगा देंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, डेसिमल काउंट कर लो 1 एंड 2, तो 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा दिया। ये आपका शॉर्ट क्या मेथड हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो और उस तरीके से जो मैंने फर्स्ट मेथड करवाया था वैसे भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके देखिए अभी दोनों मेथड समझ आ गए, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए अब देखिए बोर्ड में मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, 0.15 और मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है, हम दोनों मेथड से करेंगे यहाँ पे 0.15 मल्टीप्लाई 0.3। पहले यहाँ देख लीजिए, पहले इस मेथड से कर लेते हैं हम। देखिए 0 एज इट इज रहने दीजिए, पहले आप मल्टीप्लाई करिए 15 को 3 से, 15 की टेबल सभी को लर्न होगी, 15 में जा 15, 15 टू जा 30 और 15 3 जा 45। ठीक है, हमने यहाँ
45 लिख दिया। अब आप काउंट करोगे कितनी डिजिट है, वन, एक तो यहाँ डेसिमल हो गया, 1 2 3 डिजिट हो गए। 3 डिजिट के बाद क्या डेसिमल आएगा, डेसिमल काउंट किए ना हमने, देखिए यहाँ से 1 2 एंड 3, हमारे पास यहाँ 2 डिजिट है, इस 0 को आप चलो साइड करिए। अब हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, डिजिट तो हमारे पास 2 ही है, तो हम यहाँ 0 अपनी तरफ से लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.045 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.045। यहाँ ये 0 आप लगाओ तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लगाओ तो ये लगा दो, ये आंसर आएगा। सेकंड मेथड से देखिए आप, हमने कैसे किया था, फ्रैक्शन बनाएंगे इनको, 15 डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 2 100 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए सेम 1 0 डेसिमल है, 1 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 15 3 14 45, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 100 को 10 से करेंगे 1000, सेम बन गया, देखो 45 आ गया। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3, तो 0 ये लिख दिया, डेसिमल लगा दिया, आ गया ना आंसर, सेम आंसर आ गया। मेथड जो इजी लगे मेथड, उस मेथड के अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हमने मल्टीप्लिकेशन वाला कर लिया, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन हमने करना सीख लिया सभी ने। नेक्स्ट टॉपिक अब डिवीजन, पहले क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय ए होल नंबर। ठीक है, पहले होल नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, 0.75 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डेसिमल का डिवीजन किसे करना है, होल नंबर से। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना ली हमने डेसिमल के, हमने फ्रैक्शन बना ली, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था डेसिमल की फ्रैक्शन बनाने के लिए, हमने 75 लिखा और डेसिमल कितने पॉइंट डिजिट के बाद है, 1 2, तो हमने यहाँ 100 लिख दिया, और डिवाइड किससे करना है, 3 से। अब देखिए हमने लास्ट चैप्टर में किया था, 3 का रेसिप्रोकल बताइए मुझे क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल आपका हो गया, आपको पता है कि हम जब डिवाइड करते हैं, आपको मैंने लास्ट चैप्टर में कराया था ये। ठीक है, हम इसको ऐसे रख लेते हैं, 3 होता है तो उसको हम होल नंबर के नीचे 1 लगा लेते हैं। ओके, तब इसका रेसिप्रोकल के लिए क्या होगा, 75, ये एज इट इज लिख देंगे, आपको पता है रेसिप्रोकल करते हैं तो हम 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, अब आपकी सेम मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्वेश्चन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम एज इट इज वो बन गया है। अब देखिए आप कैसे करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 75 को 1 से 75, और अब वो में आ गया आपका 3 को 100 से 300। ठीक है, यहाँ फिर से देख लीजिए कर क्या किया हमने, हमने क्या किया देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 75 को किससे किया, 75 को हमने 1 से कर दिया, और 100 को किससे किया, 3 से, तो 75/ कितना आ गया आपका, 300 आ गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए आपको, देखिए नंबर अगर किसी से कट डाउन हो रहा है, तो देखिए आपको एक टेबल ऐसी होनी चाहिए, एक टेबल ऐसी लर्न होनी चाहिए जो आपको पता चले कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए 25 की टेबल अगर लर्न है किसी को, या 3 की टेस्ट देखिए, आप ये देखिए 3 की टेबल से दोनों को कट करिए, 25 3 जा 75 होता ना, 25 यहाँ 3 की टेबल से 100, ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया सभी को क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 75/300 आ गया कट डाउन करने पर आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हमने किया 3 की टेबल से कट कर दिया, तो 75 की किया हमने, 25 3 जा 75, और 300 को 3 से किया तो आपका 100 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है, अब आपकी फ्रैक्शन बन गई, अगेन डेसिमल में चेंज करेंगे, तो सिंपल सा आपको पता है 1 2.25 आपका आंसर आ गया। देखिए सिंपल सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नंबर दे दिया था, हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना ली, और इसका रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल आपको पता है, तो हमने क्या लिखा, 75/100 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फ्रैक्शन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने क्या किया, 75/ इनमें 3 की टेबल से दोनों कट हो रहे थे वो मैंने कर लिया, उसके बाद एज इट इज आप ये लगा सकते हो। देखिए आपने उसको फिर से डेसिमल में चेंज करना है, 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है आपको।
ठीक है, चलो कल नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेंगे, इसके आगे के जो भी डिवीजन वाले क्वेश्चन, डिवीजन बाई डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाई 10, 100, 1000, और इस टॉपिक का भी आपको नेक्स्ट बेसिक अभी समझाया मैंने, इसके एक दो क्वेश्चन और लेंगे इस टॉपिक के, ओके? वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।